मैं इस देश के सभी नागरिकों से यह अपील करना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होते हैं और चुनाव से कोई व्यक्ति किसी पार्टी उसको राजकाज चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जब कोई व्यक्ति कोई पार्टी उसको राजकाज चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उसकी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, उसके अपने नियम कानून हैं और आज जो हो रहा है उसका संबंध एक व्यक्ति से नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना समझा जाए कि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता अलग अलग जो शहर में प्रेस वार्ता कर रहे हैं उसमें हम एक व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सच बताएं तो हम लोगों को राहुल गांधी जी की कोई चिंता नहीं, हम लोगों को कांग्रेस की भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये मसला कांग्रेस का नहीं है, ये मसला देश का है। देश का मसला ये ऐसे है कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और देश के चुने हुए मुख्यमंत्री जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, जिनका भाजपा से संबंध है, वो बार बार एक दावा कर रहे हैं कि देश में राम राज्य स्थापित हो गया है। देश में अगर राम राज्य स्थापित हो गया है, अभी आप सब लोगों ने रामनवमी का त्योहार मनाया है, मैं मिथिला से आता हूं जहां माता सीता का जन्म हुआ था, जब राम राज्य में माता सीता की अग्नि परीक्षा हो सकती है तो आज इस मोदी राज में किस उनके दोस्त की उनके मित्र की जांच क्यों नहीं हो सकती। एक सीधा सा सवाल है, आपने गलती की नहीं की, आप सही हैं, विपक्ष आप पे झूठे आरोप लगा रहे हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया है तो जांच करा लेने में क्या प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है क्या। बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के आर्गुमेंट को आप सुनिए, वो कहते हैं कि कांग्रेस के राज में भी अदानी जी को काम दिया गया। ऐसा नहीं है कि अदानी जी कांग्रेस के राज में सिग्नल पर भीख मांगते थे और अचानक से जो है वो देश के बहुत बड़े पूंजीपति बन गए। मैंने कहा कि ये पूरी लड़ाई एक व्यक्ति को बचाने या एक व्यक्ति को फंसाने की नहीं है। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस के राज में भी अदानी जी को कोई विशेष लाभ दिया गया है तो उसका भी जांच करा लीजिए। अगर आपको लगता है कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आप बार बार फोटो दिखाते हैं और आप बताते हैं कि यूपीए के जमाने में भी दिया गया, साहब मूर्ख मत बनाइए। सबको पता है कि उनका जो विकास दर है ना माननीय अदानी जी का, वो पहले सीधा चल रहा था एक रेखा में, अचानक से जैसे इस देश में महंगाई में उछाल आई है ना, वैसे ही उनकी संपत्ति में उछाल आई। ये संयोग है कि प्रयोग है, इसकी जांच आप करा लीजिए। हम बस सवाल पूछ रहे हैं कि 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और 2014 के बाद से ही तीन दोगुनी रात चौगुनी जो है अदानी जी की संपत्ति बढ़ने लगती है। बार बार एक सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके, जिसमें सत्ता पक्ष के लोग भी रहते हैं, सभी दल के लोग रहते हैं, सभी मामलों की जांच करा लीजिए, कांग्रेस के राज की भी जांच करा लीजिए और भाजपा के राज की भी जांच करा लीजिए। यही तो सवाल है ना, इसी पे तो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं महाराज। बताइए, मैं प्रधानमंत्री को बहुत गौर से सुनता हूं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान बड़ी उम्मीद से प्रधानमंत्री को सुनते थे। जब प्रधानमंत्री कहते थे कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, परिवारवाद खत्म करेंगे और काला धन वापस ला करके सबके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे, तो उम्मीदें बंधती थी। और उस उम्मीद की हकीकत आज क्या है, कई बार तो बड़ी जोर की हंसी आती है। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने ही नाम के स्टेडियम में बगल में अमित शाह के सुपुत्र को खड़ा करके परिवारवाद पे भाषण देते हैं।
बोलिए आपको हंसी आएगी नहीं आएगी, ये कैसा परिवारवाद है। दूसरे पार्टी में अगर हो रहा है तो परिवारवाद है, और भाजपा में अगर हो रहा है तो समाजवाद है। नहीं, जय साहब पे सवाल पूछना परिवारवाद नहीं है। इनका एक मंत्री है अनुराग ठाकुर, अक्सर जो है वो गाली देने के चलते चर्चा में रहते हैं, उनको मंच पे बिठा करके प्रधानमंत्री परिवारवाद पे भाषण देते हैं। अभी कर्नाटक जाकर के परिवारवाद पे बोल रहे थे। आपको मालूम है कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे। ये परिवारवाद नहीं है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के लिए कुछ नहीं किया है, ये बात सच है, लेकिन अपने पॉलिटिकल फैमिली के लिए तो सब कुछ किया है। और अपने अगर पॉलिटिकल फैमिली के लिए कुछ नहीं किया है तो जेपीसी की जांच करा लेने में क्या दिक्कत है। यह सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि अदानी जी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है, इस एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आप पूछेंगे सी तो बीजेपी के लोग ए से लेकर के जेड तक बोल देंगे, लेकिन सी नहीं बोल रहे। सब बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस के जमाने में भी अदानी को ठेका मिला, कांग्रेस के शासन में भी अदानी को ठेका मिल रहा है, लेकिन जो एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जेपीसी की जांच करा लीजिए। जब माता सीता की अग्नि परीक्षा हो सकती है तो प्रधानमंत्री के दोस्त की जेपीसी से जांच नहीं हो सकती है। बड़े हैं क्या, उन पर सवाल नहीं पूछ सकते हैं? और अगर सवाल नहीं पूछ सकते हैं तब तो यह कहना पड़ेगा कि लोकतंत्र है खतरे में। और लोकतंत्र अगर खतरे में है साहब तो सिर्फ कांग्रेस के लिए खतरे में नहीं है। देश में कोरोना महामारी जब आया ना तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई। देश में जब कोई समस्या पैदा होती है ना तो उसका शिकार हर कोई होता है। इसीलिए मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहता हूं, खास करके ईमानदार कार्यकर्ताओं से, कि आप एक विचारधारा को मानते हैं कि आपका राजनीतिक चुनाव, आप एक पार्टी के समर्थक हैं कि आपका राजनीतिक चुनाव, आप प्रधानमंत्री जी का समर्थन करना चाहते हैं ये आपका राजनीतिक चुनाव है, लेकिन देश के नाम पर बेईमान दोस्त का बचाव करना आपकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। आप चौक चौराहा खड़ा होकर के कल तक देश के लिए लड़ रहे थे, आपको पता ही नहीं चला साहब क्या से क्या हो गए सनम देखते देखते, कि देश के नाम पे वोट लेकर के आज चौक चौराहा आपको अपने बेईमान दोस्त को बचाने के लिए बोला जाता है। किसी भी भाजपा के ईमानदार कार्यकर्ता के लिए अदानी के बचाव में खड़ा होना कोई जरूरी नहीं है, ये उसकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। कोई भी बेईमानी किया है, बेईमान बेईमान होता है। तेरा बेईमान और मेरा बेईमान क्या होता है? बेईमान बेईमान होता है। ऐसा तो नहीं होगा कि जिन लोगों पे आप आरोप लगाते, अभी मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था तो प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के भीतर और देश के बाहर देश विरोधी शक्तियां इकट्ठा हो गई है। आप सब गुजरात के लोग हैं, गुजरात का हमारा एक पुराना दोस्त है, जैसे ये लोग बगल में बैठे हुए हैं ना, वो पहले बैठता था बगल में और सब भाजपा के नेता उसको देशद्रोही कहते थे। अभी वो वाशिंग मशीन में जाके साफ हो गया है, सारा केस उसका खत्म हो गया है, वो एमएलए हो गया है, और हो सकता है सब कुछ ठीक रहा ना तो मंत्री और मुख्यमंत्री भी हो जाए। तो आप बताइए कि जो भाजपा के कार्यकर्ता पान की दुकान पे उसको कल तक देशद्रोही कह रहे थे, पटेल आरक्षण मांगने के चलते उसको जातिवादी कह रहे थे, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का बोल रहे थे, वो साफ हो गया, धुल गया, वो सारे दाग उसके समाप्त हो गए। दिल पे रख करके हाथ पूछिए, खुद से ये सवाल पूछिए कि जो बात आज बीजेपी के द्वारा कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। कहते हैं हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, अरे साहेब मुख्यमंत्री थे आप, भ्रष्टाचार मिटाते मिटाते प्रधानमंत्री बन गए, बताइए गुजरात में भ्रष्टाचार मिट गया है? अगर कोई मुझे प्रमाण के साथ कह दे कि गुजरात की भाजपा राज में भ्रष्टाचार मिट गया है तो पब्लिक लाइफ छोड़ दूंगा। बोलिए
अपने अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिए, सवाल पूछिए, और जब सवाल पूछिएगा ना तो ये भी प्रश्न पूछिएगा मन में कि क्या इस देश को गांधी ने जान गवा करके, सरदार पटेल ने जो है अपनी जिंदगी कुर्बान करके, भगत सिंह फांसी के झूले पे चढ़ करके इसलिए हमारे हाथ में सौंपा है कि हम देश की भक्ति करते करते प्रधानमंत्री का दोस्त की भक्ति करने लगेंगे, उसकी चोरी और उसकी बेईमानी को सही साबित करने लगेंगे, और जब उस पर सवाल पूछा जाएगा तो प्रश्न का जवाब देने के बजाय आप इधर उधर की बात करेंगे। विपक्ष कह रहा है जेपीसी जेपीसी, बीजेपी कह रही है ओबीसी ओबीसी। बताइए ओबीसी कहां से आ गया? मैं एक प्रश्न आप सब लोगों से पूछता हूं कि जब हम लोग बोलते हैं और साफ साफ बोलते हैं, कोई घुमा फिरा करके नहीं बोल रहे, हमारी किसी भी बात में या हमारे नेता के राहुल गांधी के किसी भी बात में किसी भी समाज के लिए कोई अपमानित भाषा नहीं होती है, कोई अपमानित भाषा नहीं। लेकिन यह मुद्दा क्यों उछाला गया? क्योंकि यह पुरानी आदत है, जब भी आप लोगों के रोजी रोटी नौकरी से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे तो ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी ना किसी के पीछे जाकर के छुप जाते हैं। याद कीजिए जब 14 में देश में सरकार बदली तो राष्ट्र का नाम लिया जा रहा था, राष्ट्रवाद का नाम लिया जा रहा था। अरे साहब, ये कौन सा राष्ट्रवाद है जिसमें आप राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हैं? हम रेलवे बेच दें देश की राष्ट्रीय संपत्ति को और कहें कि ये राष्ट्रवाद है? बताइए ये कौन सा राष्ट्रवाद है जिसमें राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही है? ये जिसका नाम लेते हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जिसके पीछे छुपते हैं सबसे ज्यादा उसी का नुकसान करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। फिर सेना सेना कहना शुरू किया। 2019 के चुनाव से पहले भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे थे कि जब से भाजपा की सरकार आई है आतंकवादी घटना बंद हो गई। याद मैं दिलाता हूं आपको, पुलवामा में आतंकवादी घटना हुआ, जो यह दावा कर रहे थे कि आतंकवादी घटना बंद हो गया है, 2019 में आतंकवादी घटना के नाम पर इंपोर्ट होना शुरू किया। जब भारतीय सेना का नाम लिया तो इस देश के आम नौजवान जो हैं, उन आम नौजवानों के अंदर एक सपना होता है, हमारे घर से हमारे परिवार से 16 लोग जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की नौकरी करते हैं, हमारे पास क्या विकल्प है? हम दौड़ते हैं और अपनी क्षमता के हिसाब से मेहनत करते हैं और इस देश की आर्म फोर्सेस में जाकर के मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। उसमें क्या किया इन्होंने, वो अग्निवीर लेकर के आ गए। राहुल गांधी से इनको दिक्कत इस बात की है कि देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं। याद कीजिए जब अग्निवीर का भी मुद्दा आया था, राहुल जी ने कहा कि ये हमारी सेना को कमजोर करने की साजिश है, साफ साफ शब्दों में कहा। और मैं तो खास करके जो है इस देश की सरकार को बधाई देना चाहता हूं, अग्निवीर का पहला बैच अभी नहीं आया है लेकिन राहुल गांधी जी को इन्होंने पहला अग्निवीर सांसद बना दिया है, इसके लिए मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। ये इस बात की गवाही है कि अगर इस देश में आप सच्चाई के लिए लड़ेंगे तो सत्ता आपके खिलाफ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और गुजरात के लोग इस बात को बखूबी जानते हैं, उनको अच्छे से पता है कि कैसे किसी भी इसी सवाल को चुप कराने के लिए किन किन हथकंडों का इस्तेमाल किया जाता है। आप सब सोच करके देखिए कि सारे सरकार से सवाल पूछने वालों के ऊपर ही कार्रवाई की होती है, जो भी सवाल पूछता है उस सवाल को दबाने के लिए तमाम तरह की साजिश क्यों रची जाती है? आज के समय में इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि अपोजिशन को चुप कराने के तीन वेपन हैं, सेडिशन, करप्शन और डिफेमेशन। पहले जो लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया, जिसमें पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फिल्म मेकर हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम लोगों के ऊपर ऐसे मुकदमे किए गए। फिर जो विरोधी दल के नेता हैं, खोज खोज करके उनके ऊपर करप्शन के चार्जेज लगाए गए, और करप्शन के चार्जेज में अगर वो सरकार से मिल जाए, भाजपा में शामिल हो जाए,
तो कार्रवाई होना बंद हो जाता है, अगर विरोध में रहता है तो जेल में जाता है। ये सब आप अपनी नजरों से देख रहे हैं। और तीसरा, अब नया एक प्रयोग शुरू हुआ है डिफेमेशन का। एक बात बताइए, किसी भी व्यक्ति को चोर कहना किसी समाज का अपमान कैसे हो गया? भारत देश में अगर कोई भी इंसान पैदा लिया है तो उसकी कोई जाति होगी, उसका कोई धर्म होगा, अगर वो अच्छा काम करेगा तो समाज का नाम है, लेकिन अगर बुरा काम करेगा तो समाज का अपमान नहीं है। ऐसा अगर होगा तो लोग खूनी को खूनी नहीं कहेंगे, चोर को चोर नहीं कहेंगे, और कल को चोर अपने बचाव में ये कहने लगे कि हमारे समाज का अपमान हो रहा है, हमारे राज्य का अपमान हो रहा है, हमारे क्षेत्र का अपमान हो रहा है, तो आप बताइए, गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी तो कल को लोग ये कहेंगे कि गोडसे हमारी जाति का है, इसलिए जो है आप हमारी जाति का अपमान कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता, ये जबरदस्ती आप इस देश में सवालों को बंद कराना चाहते हैं। लेकिन एक बात आप शायद भूल रहे हैं कि जिस डंका बजने की बात आप दुनिया में कहते हैं, वो डंका इसलिए बज रहा है क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप चीन के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं जहां की मीडिया को स्वतंत्र तरीके से सवाल पूछने का अधिकार है, जहां के नागरिक समाज को अपने सरकार से स्वतंत्र तरीके से सवाल पूछने का अधिकार है, जहां के विपक्ष का काम है सवाल पूछना। मजेदार बात यह है, 9 साल हो गया है, मुझे तो लगता है कि कोई प्रधानमंत्री जी को रिमाइंडर देते कि साहब आप दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं फुल मेजोरिटी से, अब लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह भाषण देना बंद कीजिए। अभी अभी मैं आपको बताता हूं, मेघालय का चुनाव हो रहा था, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि मेघालय की सरकार भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है, दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है, और एमएलए लेकर के उस सरकार में शामिल हो गए। ये क्या है? ये बेईमानी है, और मैं समझता हूं कि इस बेईमानी का विरोध करना एक जरूरी काम है। और जब मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, उसी वक्त जो है मुझे इसी गुजरात की कुछ घटना याद आती है। एक दौर में मैं स्मृति जी का बड़ा प्रशंसक हुआ करता था, नहीं वो शासन वाला नहीं, जब वो नेता थी, एक महिला नेत्री के तौर पे मैं उनका बड़ा प्रशंसक हुआ करता था। ये तो बड़ी हिम्मत की बात है ना भाई साहब, कि अपनी ही सरकार अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठी, तो हिम्मत की बात है ना, अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और मोदी जी आए थे गिलास में पानी पिलाने के लिए, वो वीडियो आप लोग देखे होंगे। मैं चाहता हूं कि इस देश में राजनीति की ये परंपरा कायम रहे कि लोग अपनी भी सरकार से सवाल पूछें, लेकिन अफसोस की बात ये है कि आप स्मृति जी भी अब सवाल नहीं पूछते, ना महंगाई पे सवाल पूछती हैं, ना महिला अत्याचार पे सवाल पूछती हैं, ना भ्रष्टाचार पे सवाल पूछती हैं। जब भी मीडिया में आती हैं तो प्रधानमंत्री जी का बचाव करने के लिए आती हैं। ये जो सब कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, इससे हम एक नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि इस देश में दो सोच का संघर्ष बनता जा रहा है। एक सोच है जो बदले की राजनीति करता है, बदले की भावना से कार्रवाई करता है, और दूसरी सोच वो है जो बदलाव की भावना से काम करना चाहता है। यह संघर्ष बदले की भावना और बदलाव की भावना के बीच है। मुझे अपना पक्ष पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश में हमेशा से बदलाव की भावना की समर्थक रही है। अभी गृह मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, गृह मंत्री जी ने कहा कि हमारे खिलाफ एजेंसी का दुरुपयोग हुआ था, तो क्या आप बदला ले रहे हैं? आप खुद ये स्वीकार करते हैं कि आप जो है एजेंसी का दुरुपयोग करके बदला ले रहे हैं? तो याद रखिएगा साहब, नदी का पानी ठहरता नहीं है, समंदर की लहरें रुकती नहीं है, और इस देश से आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, लोकतंत्र नहीं जाने वाला है। इस देश को कभी भी किसी ने भी तलवार के दम पे शासन नहीं कर पाया है, छल से, कपट से, झूठ बोल करके, क्योंकि भारत के लोग भावुक होते हैं, यह भावना प्रधान देश है, और आपकी भावुकता में भी हम आए, हमको भरोसा हुआ
कि एक गरीब का बच्चा जब देश का प्रधानमंत्री बनेगा ना साहब, तो गरीबों का भला होगा। हमको नहीं मालूम था कि जिस स्टेशन पर आप चाय बेचने का दावा करते हैं उसी स्टेशन को आप बेच दीजिए। हमको नहीं मालूम था कि जिस गरीबी की आप बात करते हैं उस गरीबी के हक में बोलने वाले लोगों को आप जेलों में छूस देंगे। हमको नहीं मालूम था कि आपको लोगों ने वोट दिया कि आप हर साल लोगों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। नहीं मालूम था कि रोजगार का सवाल उठाने वाले विपक्ष के सबसे बड़े नेता का आप सांसदी छीन लेंगे। जिस आनन फानन में ये कार्रवाई हुई है किसी को भी समझने में ये कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूं ऑफ कैमरा ना किसी बीजेपी के नेता को भी पूछ लीजिएगा तो कह देगा आपको कि नहीं नहीं ये तो गलत हुआ है, ठीक नहीं हुआ है। ये जो गलत हुआ है आप महसूस कर रहे हैं ना, उस पर सवाल पूछने की जरूरत है। और बीजेपी की तरफ से जो बचाव का बात बोला जा रहा है उसमें एक पैसे की सच्चाई नहीं है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने 2019 में जिनको चोर कहा वो ओबीसी समाज से नहीं है। ये बात आपको पता है कि सूरत के लोगों को कम से कम मालूम है वो ओबीसी समाज से नहीं है। और अगर इतना ओबीसी समाज के प्रति प्रेम अचानक से पैदा हो गया है भाजपा को, तो मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं। है हिम्मत कि इस देश के अंदर ओबीसी के जितने आरक्षित पद हैं, जितनी रिक्तियां हैं, सब पे भर्ती हो जाएगी कल? है हिम्मत? भर देंगे उन सारे पोस्टों को जितने खाली पद हैं ओबीसी के? है हिम्मत कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी की जातियां हैं वो कह रहे हैं कि हमारा जाति आधारित जनगणना करा दीजिए, करा देंगे जातिगत जनगणना? है हिम्मत? ये मुद्दे को फटकाने की साजिश है। ये बार बार किसी ना किसी के पीछे जाकर के इस देश का जो असल सवाल है उसको भटकाने का प्रयास करते हैं। यह जो पूरा प्रकरण हुआ है उस प्रकरण में एक बात बिल्कुल साफ है कि ये मानहानि का मामला बेईमानी के मामले को दबाने के लिए किया गया है। अगर प्रधानमंत्री जी ने या भाजपा ने या उनकी सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो जांच से उनको घबराना नहीं चाहिए। उनको इधर उधर की बात करने की बजाय कभी किसी के साथ अदानी का फोटो दिखाते हैं, कभी कहते हैं कि राजस्थान में क्यों काम मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में काम क्यों मिल रहा है, सब का इकट्ठा जांच करा लीजिए। इसीलिए मैंने आपको कहा राहुल गांधी का बचाव करने हम नहीं आए हैं। सांच को आंच नहीं होता है, सच को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती है। जो इंसान एक बार यह तय कर लिया है कि सदस्यता क्या, जान भी चली जाएगी ना, तब भी सच बोलना बंद नहीं करेंगे। और इस देश के लोगों के जो सवाल हैं, रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, शिक्षा का सवाल, इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति को औने पौने दामों में अपने दोस्तों को बेचने का सवाल, उन सारे सवालों को हम उठाते रहेंगे। और यह जो सवाल है इनको लगता है कि जांच करा करके सवालों को गुमराह कर देंगे तो वो भ्रम में। कई बार क्या होता है ना साहब, एक मंत्र जो है ना सब पर काम नहीं करता है। कांग्रेस के कुछ नेता, उन पर केस हुआ और जो सुबह में केस हुआ और शाम में वो भाजपा में चले गए, तो अचानक वो भ्रष्टाचारी से सदाचारी हो गए। तो बीजेपी को लगता है कि ये मंत्र सब पर लागू होगा, ये मंत्र सब पर लागू नहीं होता है। आपने कोशिश की कि अदानी के खिलाफ जेपीसी की जांच को दबाने का, अदानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आए सवाल को दबाने का और उसको ढकने के लिए इतना बड़ा जो है राजनीतिक ड्रामा किया गया। देखिए जितना दबाने का प्रयास किया गया उतना यह सवाल आज उभर करके सामने आ गया है और सब लोग अब घर में बैठ करके इसकी चर्चा कर रहे हैं कि देखो दोस्ती तो बड़ा गहरा है, दोस्ती इतना गहरा है कि पत्रकार अगर नहीं बिकता है ना तो दोस्त के लिए साहब चैनलें खरीद लेते हैं। सबको बताएंगे, कौन नहीं जानता है? आपके हमारे सामने दो विकल्प है। एक विकल्प है कि बदले की इस राजनीति में आप मजा लीजिए, और दूसरा विकल्प यह है कि आज आप जिसको मजा समझ रहे हैं ना वो देश के लिए सजा है। तो आप
बदलाव की भावना जो है उस बदलाव की भावना के साथ कदम मिलाइए। इसीलिए मैंने कहा कि एक आम नागरिक के हैसियत से इस देश के सभी देशवासियों से अपील है, क्योंकि यह मामला कांग्रेस का नहीं देश का है, और जब मामला देश का होना तो लोगों को अपने ईमान के साथ खड़ा होना चाहिए, बेईमान के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपके जो प्रश्न हैं बारी बारी से आराम से पूछिएगा, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मेरे पास बहुत समय है और हिम्मत भी, सब सवाल का हम आपको जवाब देंगे, किसी सवाल से जो हम भागेंगे नहीं, बस बारी बारी से पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यस प्लीज कम, एक नाम और मीडिया चैनल भी बता दीजिए, थोड़ा थोड़ी दोस्ती भी हो जाएगी। सामने ही देखते हो, मेरा नाम यज्ञेश है, मैं देखिए इसमें एक्सप्लेन करने की कोई मतलब इसमें कोई ऐसा